वालेकुम मेरे प्यारे और चांद सितारों सब कैसे हैं? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे तो so जी आज की इस सी वीडियो में ना मैं आप लोगों को जामा क्लॉथ की 10 सस्ती शॉप्स का विजिट करवाने वाली हूँ इसके अलावा ऑनलाइन बाय करने के लिए मैंने हर शॉप का कॉन्टेक्ट नंबर भी मैंशन किया है सो विदाउट एनी फर्दर मोर इंट्रो लेट्स स्टार्ट एपिसोड ऑफ शादी कलर टू अच्छा जी जामा क्लॉथ मार्केट एम ए जरा रोड पर है कराची में अब हम जिस शॉप पर आ गए हैं इस शॉप का नाम है हुदा हुईडल एक और बात आगे चल के ना मैं आप लोगों को जामा क्लॉथ में आने वाले कस्टमर्स के तीन फायदे और तो और जामा क्लॉथ मार्केट की तीन खसूसियात और यहाँ पर नुकसान होता है या नहीं वो भी बताऊंगी तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है और अगर आप लोगों को वीडियो का इतना सभी पार्ट पसंद आ जाए ना तो जस्ट लाइक मस्ट सब्सक्राइब ये दोनों करना है ठीक है शेयर भी कर देंगे तो आपकी बहन का दिल खुश हो ही जाएगा अच्छा पहले आपने जो शरारा और दुपट्टा देखा उसकी यहाँ पर शर्ट है और प्राइस इसकी बहुत सिर्फ और सिर्फ आठ हजार रुपए अच्छा इन ड्रेसेस पर जो वर्क हुआ हुआ होता है ना वो हैंड वर्क स्टोन वर्क और तार वर्क अच्छा वो वाली तार नहीं जिससे करंट आता है की एम्ब्रॉयड्री वाली तार है ठीक हो गया फेब्रिक का बता देती हूँ प्योर शेफून यूज करते हैं ये लोग ठीक है अच्छा जी अब कस्टमर्स के तीन फायदे बता देती हूँ पहला बेनिफिट जो चीज आप लोग को दूसरी मार्केट में दस हजार रूपए की मिलेगी ना वही सेम टू सेम चीज ना यहाँ से आप लोग हाफ रेट में लेके जा सकते हैं पता है कैसे यहाँ इतनी ज्यादा कोई बारगेनिंग होती है ना जो लोग शॉपिंग करते हैं ना यहाँ से उन्हें तो पता ही होगा है ना अगर पता है तो नीचे कमेंट में आप लोगों ने लाजमी से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है ठीक है जी अब बढ़ते हैं सेकंड बेनिफिट की तरफ लेकिन उससे पहले ये जो अब शरारा शरारा भाई ऐसे ब्लूपर्स तो हमेशा ही मेरे साथ होते रहते हैं लेकिन हम इस शरारे की प्राइस जान लेते हैं बताने के रेट तो इसके हैं जी पैंतीस हजार रुपये लेकिन फाइनल भाई ने बताया था कि ये मिल जाएगा अट्ठाईस हजार रुपये का और बारगेनिंग करवा करना आप इसके रेट्स और कम करवा सकते हैं ठीक है जी दूसरा बेनिफिट क्या है कि जो चीज़ आप लोगों को एक शॉप पर मिलेगी ना वही सेम टू सेम दूसरी शॉप पर भी मिल जाएगी इस तरह से फायदा क्या होता है सपोज करें अगर आप लोगों को एक शॉप पे ड्रेस पसंद आ गया बट वो महंगा था छोड़कर आप चले गए दूसरी शॉप पर पर तो वहाँ पर भी आपको वो ड्रेस मिलेगा बहुत कम रेट में जामा में क्योंकि ना ज्यादातर के पास एक जैसी वरायटी आप लोगों को देखने को मिल जाती है पहले वाली शॉप का कार्ड मैंने मैंशन कर दिया है अब हम आ चुके हैं जी नेक्स्ट शॉप पर और इनके पास आप लोगों को सेमी ब्राइडल ड्रेस मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ तीन हजार पाँच सौ के रेंज में चाहे वो ड्रेस बहुत ही ज्यादा हैवी हो या फिर हल्का सा अच्छा जी तीसरा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर आप लोग को बारात वलीमा मेहंदी मायो, एंगेजमेंट परी, जहेज से रिलेटेड तमाम ही ड्रेसेस मिल जाएंगे जो कि मैंने आप लोगों को आगे वीडियो में शो किए हैं इसके अलावा ज्वेलरी और सैंडल्स भी दिखाई हैं तो आप लोग भाई वीडियो एंड तक देखते रहे एक और बार कह रही हूँ जस्ट लाइक मस्ट सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा ठीक है बहन का दिल खुश कर देंगे ना आप लोग अच्छा अब अगर आप इस शॉप से कोई भी ड्रेस बाय करना चाहते हैं कार्ड आप लोगों को शो कर दिया है अब हम आ गए जी जामा क्लॉथ की मशहूर मायो मेहंदी गली में यह है जी जामा क्लॉथ के बैक साइड पर आएंगे ना आप लोगों को इजीली मिल जाएगी कोई भी मुश्किल एड्रेस नहीं है ठीक है अच्छा इस मायो गली की सबसे ज्यादा खास बात क्या है कि जो ड्रेस आप स्टिच देखेंगे ना उसी का आपको अनस्टिच वर्जन भी मिल जाएगा यहाँ पर आप जो फुल लेट का ड्रेस देख रहे हैं इसकी चार हजार पाँच सौ और इस तरह के आप दुपट्टे देख रहे निकाह के लिए वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे <गण्णागा> Why do I, baby? Why do I? Love the touch, but never love the feeling. Why do I, baby? Why do I? जो आपने मायो मेहंदी के ड्रेसेस ये लाइन से लगे हुए ये पंद्रह सौ रुपए से स्टार्ट होते हैं ठीक है अब हम आ चुके हैं जी नेक्स्ट शॉप पर और ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं पहला वाला सोलह सौ, सौ रुपए का है सेकंड बारह सौ थर्ड तेरह सौ और जो लास्ट वाला है वो भी बारह सौ रुपए का है अच्छा ये सबसे बड़ी बात क्या है की यहाँ पर आप लोगो को ना थ्री पीस ड्रेसेस मिलेंगे ठीक है और तो और हर साइज भी मिल जाएगा ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं बहुत की पाँच सौ रुपये का है ठीक है पूरा थ्री पीस मिलेगा ये भी आपको अच्छा इसमें एक और कलर भी है ग्रीन शर्ट है और प्लेन ना येलो कलर का गरारा है ये भी आपको पाँच सौ का मिलेगा अगर आप प्लेन ड्रेस चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं जी पंद्रह सौ रुपए में ठीक है अच्छा मायू मेहंदी के ड्रेसेस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है उसका मैं आपको थंबनेल शो कर दूंगी आप लोग वो लाजमी देख लीजिएगा अब जो यहाँ पर भाई आप लोगों को मायू मेहंदी का ड्रेस दिखा रहे हैं ना ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया क्योंकि ना इसका जो पटियाला था वो बहुत ही खूबसूरत प्लेटों के साथ बना हुआ था दिखा देती हूँ अभी आप लोगों को करीब से भी ये देखिए आप कितनी ज़बरदस्त कोई प्लेट्स डली हुई है और ये पूरा ड्रेस है जी नेट पर। तो की आप लोगों को गाइड कर देती हूं सिर्फ और सिर्फ अठारह सौ ठीक है अब इसके बाद जो आप ड्रेस देख रहे हैं ना इसका मल्टी गरारा है येलो शर्ट के साथ प्राइस इसकी नहीं याद आपकी बहन को अच्छा अब बात कर लेते हैं जी जामा क्लॉथ मार्केट की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जब भी जामा क्लॉथ में जाए ना तो वहाँ के शॉपकीपर ना इतनी इज्जत देते हैं कस्टमर्स को मतलब बुलाते हैं कि बाजी आ आ जाए जाए हमारी शॉप पर और सेकंड खास बात क्या है कि तमाम ही शॉपकीपर्स जो भी हैं जामा क्लॉथ के वो ड्रेसेस को इतने अच्छे से प्रेजेंट करके दिखाते हैं ना कि अनसेटिस्फाइड कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाता है यहाँ पर जी हम नेक्स्ट शॉप पर आ गए हैं और इस फ्रॉक को निकालने की मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी तो अंकल ने निकाल कर दिखा दी इसकी प्राइस है जी पंद्रह सौ और ये जो नेक्स्ट ड्रेस देख रहे हैं आप लहंगे के साथ है इससे मैं आपको अगेन दिखाऊंगी पहले आप ये ड्रेसेस देख लें हां जी आ गया है ड्रेस इसकी प्राइस है जी दो हजार रुपए और अभी जो आप यहां पर सतरंगी लहंगा देख रहे हैं ना इसकी प्राइस है जी चार हजार पूरा मिररवर और गोटा वर्क के साथ है अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जी ज्वेलरी मायो मेहंदी के लिए बहुत ही जबरदस्त ज्वेलरी है और ये ज्वेलरी का स्टॉल ना जामा क्लॉथ के अंदर एंटर होने से पहले लगता है इस तरह का ना एक नहीं ढेरों स्टॉल लगते हैं अभी जो आप यहाँ पर बैंगल्स देख रहे हैं इसकी प्राइस है जी सौ रुपए और ये रहे जी बैंगल्स में आपको तमाम कलर्स मिल जाएंगे ठीक है और रिंग आप देख रहे हैं ये है जी पचास की बहुत ही प्यारी सी है और इसके अलावा भी है इनके पास वो भी दिखा देती हूँ आपको मिलेंगे सौ रुपए की एयरिंग ठीक है ये आप देख सकते हैं गजे वगैरह भी इनके पास होते हैं हाथ में पहनने वाले तो एक सौ पचास की आपको जोड़ी मिलेगी

स्टॉल पर और इनके पास जो सेल लगी हुई है वो चार सौ पचास और छह सौ पचास रुपए की है ठीक है अच्छा पहले मैंने जामा क्लॉथ की वीडियोस बनाई हुई है बहुत सारी और अभी एक लेटेस्ट भी बनाई है तो उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसके अलावा पिन कॉमेंट में भी दूंगी तो आप लोग वो वीडियोज भी चेकआउट कर लीजिएगा बहुत ही इंफॉर्मेटिव और जबरदस्त वीडियोज हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो लेटेस्ट वीडियोज के लिए चैनल को लास्ट भी सब्सक्राइब कर लें अब हम आ चुके हैं जी एक शॉप पर जाहिर सी बात है अच्छा यहाँ पर इनके पास बहुत ज़बरदस्त सेल लगी हुई थी तो साढ़े तीन हज़ार रुपये में आप लोगों को फ्रॉक के साथ ट्राउज़र और दुपट्टा मिलेगा ठीक हो गया है इस तरह का और साढ़े चार हजार रुपये में आप लोगों को फ्रॉक के साथ लहंगा मिलेगा जो कि आगे चल के दिखाऊँगी ये वाला ड्रेस साढ़े तीन हजार रुपये का है इसका दुपट्टा ये रहा जी माथा पट्टी स्टाइल में और स्लीव्स भी आप लोगों को साथ ही मिलेंगी प्लेन बट रिबन लगी हुई है ठीक हो गया है इसका एक ग्रीन कलर आप लोग देख लें और ये रहा जी पिंक कलर बहुत ही खूबसूरत और जो बॉर्डर है उसके नीचे पूरे टसल लगे हुए अच्छे वाले दिखा देती हूँ ये देख लीजिए ठीक है जी और ये रहा जी इसका एक और कलर ब्राउन Do I love the touch, never love a जो आपने पहले ब्लू कलर का ड्रेस देखा था ये उसी के जैसा है बट फैब्रिक और एम्ब्रॉयडरी में थोड़ा सा डिफरेंस है वो वाला जो ड्रेस था वो शेफून भी था ये वाला जी पूरा ड्रेस नेट पर है बट ट्राउज़र सिल्क का है ठीक है ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं ना ये है जी साढ़े चार हजार रुपये का क्योंकि फ़्रॉक के साथ लहंगा है ये आप देख सकते हैं ठीक है जी अच्छा जामा क्लॉथ में ना एक बात जरूर है अगर आप इस बात से एग्री करते हैं ना तो नीचे आपने कमेंट में जरूर बताना है पहले बात बता देती हूँ कि जामा क्लॉथ में जब भी जाए ना वहाँ ब्राइडल ड्रेस की जो प्राइस होती है ना फोर्टी फाइव थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड इतनी के ही बताते हैं तो वो आप लोगों ने घबराना नहीं है जितनी वो लोग प्राइस बताए ना उसी का आधा कर दें करते, करते 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 वो कम कर देंगे और जितने का आपको ब्राइडल ड्रेस चाहिए होगा आराम से मिल जाएगा वरना अगर वो दुकान वाले थोड़े से वैसे हो ना जो कि ज्यादा ही पैसे में चीज बेचते हो तो फिर नहीं मानने वाले आपको फिर एक दो शॉप तो घूमना ही पड़ेगा ठीक है ये सारी बातें ना एक्सपीरियंस की हुई है जब जब हमने जामा क्लॉथ से शॉपिंग करी तब तो आप लोगों ने ये सारी बातें ज़रूर अप्लाई करके देखनी है ठीक है अभी हम आ चुके हैं जी ज्वेलरी के स्टॉल पर अच्छा जामा क्लॉथ में मैंने ज्वेलरी से रिलेटेड एक बात हमेशा नोट की है कि जो ज्वेलरी आप शॉप्स पर देखेंगे ना वही सेम टू सेम ज्वेलरी आप लोगों को स्टॉल्स पर मिलेगी लेकिन क्या है एक डिफरेंस प्राइजेस का शॉप पर प्राइजेस हाई होती हैं और स्टॉल पर सौ डेढ़ सौ कम होती हैं शॉप वाले इतनी ज्यादा प्राइजेस कम भी नहीं करते बट स्टॉल वाले ना प्राइजेस और भी कम कर लेते हैं अभी यहाँ पर जो आप चौकर देख रहे हैं जैसे गुलूबंद भी कहते हैं कोई सा भी ले, ले ले एक सौ का मिलेगा और यही गुलूबंद आप शॉप से लेना तो वो कहते हैं भैया इसमें लोहा लगा हुआ है इसमें पीतल लगा हुआ है इसमें कांच लगा हुआ है तो ढाई सौ का मिलेगा इस तरह से करते हैं तो बस मेरा बता आने का मकसद ये था कि आप ध्यान रखें फोर्स नहीं करें कि भैया नहीं आप स्टॉल से लें शॉप से ना लें ऐसा नहीं है मर्जी है आपकी जहां आपको अच्छा लगे ना जिधर आप कदर जाके अटके जिस जगह जिस शॉप पर आप वहीं से ले डालें अपनी चीज़ ठीक हो गया मेरे प्यारों और चांद सितारों मैं से तारों नहीं बोलती मैं सितारों कहती हूँ किसी ने कॉमेंट करा था मुझे इतनी हंसी आई थी अच्छा अभी जब यहाँ पर ये वाले इयर देख रहे हैं ना बहुत ही प्यारे सौ रुपये के सिर्फ ठीक है अभी मैं आपको लॉन्ग नेकलेस दिखाती हूँ वो बहुत ही प्यारा था और सिर्फ और सिर्फ आप लोग को ये देख रहे दो सि रुपये में मिलेगा अगर आपका कोई ऐसा ड्रेस है शादी वगैरह का जो सिंपल है शर्ट मगर जो लहंगा या ट्राउज़र जो भी वो एम्ब्रॉयडर्ड है तो सिंपल शर्ट के ऊपर आप जो है लॉन्ग नैलेस पहनेंगे तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा ठीक है अभी ये वाली जो इयर देख रहे हैं ये कितने की है अरे हाँ जी हाँ जी याद आ गया है सौ रूपए की ये वाला ब्रेसलेट एक सौ पचास रूपए का है ठीक है अब हम जी आ गए हैं एक शॉप पर और ब्राइडल ड्रेस की जी है ये शॉप और रेड वाले शरारे की मैं प्राइस मेंशन कर दूंगी पर्पल शरारा जो आप देख रहे हैं ये है जी बीस हज़ार सिल्वर वाली मिक्सी है जी अट्ठारह हज़ार और इसके बराबर में जो रेड कलर की मिक्सी है वो है जी पंद्रह हज़ार रुपये की काम में डिफरेंस है इसी वजह से प्राइजेस अप एंड डाउन हो रही हैं इसके बराबर में जो ग्रे और ब्लू वाली मैक्सी है ये जी सोलह हजार रुपए की रेड कलर कर का शरारा जो देख रहे हैं ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का है क्योंकि इस पर मंजूस का काम है सामने पीको ग्रीन और ऑरेंज और से कलर का बनारसी में आप राजस्थानी शरारा देख रहे हैं इसकी प्राइस है जी तीस हजार रुपए इसके बराबर वाली टेल मैक्सी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको पिंक कलर की टेल मैक्सी दिखाई है ठीक है वो वाली जो पहले देखी थी ना ग्रे वाली वो लास्ट में दिखा दूंगी बहुत ही खूबसूरत है जिस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और इस पर हैंड वर्क है पहले आपको बैग दिखाया है जो कि टेल है ठीक है और अब आपको दिखा देते हैं जी पूरा फ्रंट जो कि बहुत ही हैवीली एम्ब्रॉयडर्ड है और ये आप देखें करीब से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फिर आपको अंदाजा होगा कि इस पर कितना खूबसूरत और नफीस सा काम हुआ हुआ है ना कितना खूबसूरत अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है ना तो नीचे आपने कमेंट में लास्ट भी बताना है इसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही प्यारे ग्रीन के साथ बनाया हुआ है ठीक हो गया है अगर आप स्टिच करवाना चाहते हैं ना इनसे तो स्टिचिंग की सहूलत भी ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं और अब जो आप देख रहे हैं ना मेरा मोस्ट फेवरेट ब्राइडल ड्रेस है ये है जी राजस्थानी शरारा ठीक है इसका दुपट्टा आप लोग देखें मैंने बताया था ना कि ये लोग कितने अच्छे से प्रेजेंट करके दिखाते हैं ये आप लोग देख सकते हैं एक और बात राजस्थानी जो शरारा होता है ना वो टू इन वन होता है किस तरह से कि आप इसे शरारा भी बना सकते हैं इसके अलावा इसी से ही ना आप गरारा भी बना सकते हैं ये रहा जी इसका पैपलम बहुत खूबसूरती के साथ इसे एम्ब्रॉयड किया हुआ है ये देख सकते हैं आप पर बिना सारा हैंड वर्क है स्टोन वर्क है और ये राजी अब इनका कार्ड पीछे जो नंबर है दानियाल भाई के नाम से उस पर कॉन्टेक्ट करना है अच्छा राजस्थानी शरारे की प्राइस बताना मैं भूल गई थी तीस हजार रूपए है आखिरी शॉप इनके पास इंडियन ब्राइडल लहंगा है जो कि आप लोगों को नेट पर मिलेंगे ठीक है नीचे सिल्क का वो है इनर और पूरा ड्रेस आप लोग देख लें इस तरह से लुक आएगा इसके प्राइस मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये है जी सात हज़ार रुपये का अच्छा इतना हैवी भी नहीं है तो मुझे उस हिसाब से ये ड्रेस ना महंगे लगे लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना फिर भी आप लोगों को दिखा दिया जाए अगर आप इस तरह के ड्रेसेस में इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं बट एक बात इन ड्रेसेस की ये भी अच्छी लगी कि इनके घेर अच्छे थे मतलब ज्यादा बड़े घेर थे और जी एम्ब्रॉयडरी भी आपके सामने है अच्छा इनकी शॉप पर मुझे सिर्फ एक ही लहंगा बहुत अच्छा लगा था वो आप लोगों को लास्ट में शो कर दूंगी इनकी शॉप का कार्ड भी शो कर दूंगी ठीक है पूरा ड्रेस जो है ना वो नेट पर है बस इनर और जो शर्ट का कपड़ा है वो सिल्क का है ठीक है जी आज का ब्लॉग इतना ही था आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप लोगों ने खूब खूब इन्जॉय किया होगा और जामा क्लॉथ आपने बहुत अच्छे से देख ली होगी तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो जस्ट लाइक एंड मस्ट सब्सक्राइब शेयर भी कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ तो बहुत अच्छा हो जाएगा तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अपने रखिए ढेर सारा खयाल। मुझे रखिए अपनी दुआ में याद मैं भी जा रही हूँ आप भी चाहिए अल्लाह हाफिज़